हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी एस देखो और सीखो। चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि कस्टम यूआरएल लिंक कैसे बनाते हैं। कस्टम यूआरएल लिंक बनाने के लिए सबसे पहले आपका चैनल 1 महीना पहले का होना चाहिए, यानी पुराना होना चाहिए और 100 सब्सक्राइबर से अधिक होना चाहिए, तब जाके मिलेगा कस्टम यूआरएल लिंक। यानी आपका लिंक को कहीं भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका चैनल में डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, आपका चैनल खुल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, मेरा जैसे साइड में दिखा रहा ये वाला लिंक है, ठीक है, इस तरह का। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों को सिखाते हैं कस्टम यूआरएल लिंक कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए मेरे लैपटॉप में, तो फ्रेंड्स मेरा लैपटॉप में आ गया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप ओपन करेंगे क्रोम ब्राउज़र, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें अगर लॉगिन नहीं है आप लोगों का तो चैनल को लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा ये देखिए लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब को क्लिक करेंगे, ठीक है। यूट्यूब को क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा फ्रेंड्स, ओपन होने देते हैं, ठीक से ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इधर कोना में मेरा लोगो दिख रहा है, ठीक है। ये लोगो में क्लिक करेंगे एक बार, उसके बाद 1 2 3 देखिए YouTube स्टूडियो, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। एक बार क्लिक कर देंगे इसको, क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। थोड़ा सा प्रोसेसिंग लगेगा इस तरह का और नेक्स्ट पेज में चल जाएंगे, होने देते हैं। देखिए ओपन हो गया, ठीक से ओपन होने देते हैं, ओपन हो गया देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ बड़ा सा लोगो दिख रहा मेरा, ठीक है, आप लोगों को अभी दिखेगा। लोगों में क्लिक कर दीजिएगा एक बार, क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। देखिए प्रोसेसिंग ले रहा, ठीक है, आगे का प्रोसेस इस तरह का खुल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह का खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कस्टम चैनल, उसके बगल में मैनेज वीडियो, ठीक है, मैनेज वीडियो को क्लिक नहीं करना है, कस्टम चैनल को क्लिक करना है, ठीक है, कर दिया मैं। उसके बाद आगे प्रोसेस बताते हैं, देखते रहिए, इस तरह का प्रोसेस लेगा। देखिए इस तरह का आ जाएगा, ठीक है, इस तरह का खुल जाएगा नेक्स्ट पेज, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर लेआउट, ब्रांडिंग, बेसिक इन्फो, ठीक है, ये दोनों में नहीं करके बेसिक इन्फो में आपको क्लिक करना है एक बार, ठीक है फ्रेंड। क्लिक करने के बाद आप नीचे आइए, देखिए चैनल यूआरएल, ठीक है, इस तरह का देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, ठीक है, इस तरह का यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर सेट ए कस्टम यूआरएल फॉर योर चैनल, उसके लिए लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, एक बार क्लिक कर दिए। उसके बाद देखिए आपका बन गया है, ठीक है, ये देखिए आपका यूआरएल बन गया है, मेरा इस तरह का यूआरएल बन गया, देखिए www.youtube.com सी देखो और सीखो, ठीक है, इस तरह का बन गया है, ठीक है। ये बनने के बाद फ्रेंड्स देख लीजिएगा इसको, उसके बाद यहाँ पर जाके देखिए पब्लिश पब्लिश कर दीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। पब्लिश करने के बाद यहाँ पर आके कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर चेंज फिनिश्ड, ठीक है, हो गया है। अभी देखिए मेरा बन के रेडी हो गया, ठीक है, ये देखिए यला, इसको अभी कॉपी करके देखते हैं मेरा चैनल आता है कि नहीं सर्च करके, ठीक है, कॉपी हो गया। उसके बाद चलते हैं गूगल में, यहाँ पर देखते हैं आ रहा कि नहीं, ठीक है, यहाँ पर लाएंगे, उसके बाद पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इंटर इंटर करने के बाद देखिए देखिए मेरा चैनल आ गया ऑटोमेटिक सर्च में इस तरह का,
कोई भी अभी मेरा लिंक को पेस्ट करके, टाइपिंग करके ब्राउज़र में इस तरह का ऑटोमेटिक डायरेक्ट चैनल में आ जाएंगे फ्रेंड। ठीक है, कितना आसान है फ्रेंड। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को भी बना लीजिएगा। अगर 100 से ऊपर सब्सक्राइबर है और एक महीना से ज़्यादा पुराना चैनल है, ठीक है, देखिए मेरा आ गया है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से बनाया जाता है फ्रेंड। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।